Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sonia and you're watching Sohini. In alphabetical order for 24 hours, या फिर 24 hours के आगे भी ख़त्म हो सकते हैं, बाद में भी ख़त्म हो सकते हैं. Oh gosh. तो अभी बज रहे हैं 9:01, मतलब 9:01 हो रहा है. अभी सुबह है, ओके, फ्राइडे 31 जुलाई. तो आज मैं ये शूट कर रही हूँ, कब पोस्ट होगा पता नहीं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा सिक हूँ, देख ही सकते हो. तो अभी मैंने बाल मेरे जो है बहुत ही ख़राब हुए हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगी, मुँह फू धोंगी, फिर मैं खाना स्टार्ट करूँगी. सो मैंने ये चैलेंज सोचा भी नहीं था मैं करूँगी कभी, सो आज मैं वो चैलेंज ले रही हूँ. तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइनली मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, देख सकते हो मैं मुँह को धो के एकदम रेडी हूँ. तो ए से मैं खाने वाली हूँ एप्पल. सो दिस इज वेरी इजी. ए से मैं एप्पल खा लिया. तो कम्प्लीट. तो नेक्स्ट लेटर इज बी. तो मैं बी से खाने वाली हूँ बार्बन बिस्किट. और बी से बार्बन हो रहा है, बी से ब्रिटेनिया हो रहा है, बी से बिस्कुट हो रहा है. तो तीनों मिलकर एकदम एक बिस्किट तैयार हो गया. तो मैं बी से बार्बन बिस्किट खा रही हूँ. सी से खाने वाली हूँ चॉकलेट केक. तो ये है चॉको केक, ये देखिए. तो इसको भी मैं खाने वाली हूँ. डी फॉर केक खाने वाली हूँ मैं. सो लेट्स टेक वन पीस चॉकलेट केक. तो इसको भी मैं फिनिश करके आपसे मिलती हूँ. और या डी से मैं खाने वाली हूँ डेयरी मिल्क. तो डी से बहुत ही इजी था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. सो डी से मैं डेयरी मिल्क खा रही हूँ. तो या से एग्स खाने वाली हूँ. तो ये रही मेरी एग्स, तो इसको मैं भी खाने वाली हूँ. से मैं खाने वाली बहुत इजी फ्रूट है. कोई मेरे भाई आया, वो सो रहा है. अगर उसको पता चलेगा कि ये मैं अभी खोल के खा रही हूँ, तो उसको भी खाना पड़ेगा, भी रोएगा. तो अभी इसको मैं खाने वाली बहुत चुपचाप से. तो लेट्स सी. जी से मैं खाने वाली हूँ गुड डे, ये देख सकते हो. क्योंकि मुझे अभी गुआवा नहीं मिला, गार्लिक मुझे खाना नहीं है. सो ऑप्शन है इतना अच्छा, तो क्यों उन दोनों में चले. तो मैं यहाँ पे गुड डे बिस्कुट खाने वाली हूँ. गुड डे, अच्छे से देख लो गुड डे. सी से गुड डे बिस्कुट खा लिया, तो मैं लेटर एच पे मिलने वाली हूँ. सो बूम. सो एच फॉर हार्ट, जोक्स अपार्ट, में एच फॉर हैप्पी हैप्पी बिस्कुट खाने वाली हूँ. ये रही हैप्पी हैप्पी. तो ये अभी मैं खाने वाली, क्योंकि एच से मुझे नहीं मिला. सो एच एट से मैं हैप्पी हैप्पी बिस्किट खा रही हूँ. सो यस. तो आइस से मैं खाने वाली हूँ आइस. तो इंस्टेंट आइस मुझे मिला है, ये देख सकते हो. क्योंकि अभी ये देख सकते हो, ये देखो आइस, अभी इंस्टेंट आइस मुझे मिला है. क्योंकि ये थोड़ा सा इंस्टेंट है, थोड़ा सा बर्फ जमा. और मुझे अभी इतना ज़्यादा बर्फ खाने मुझे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मेरा सर्दी हुआ है. तो इसे ही खा लेती हूँ मैं, थोड़ा सा डर लग रहा है कि और सर्दी ना हो जाए. मैं जे से जली खाने वाली हूँ. मुझे जस्ट जली नहीं मिला, और मुझे जली
पसंद नहीं है। मैं जब छोटी थी तब मैं खाती थी जेली, बट अभी जो है इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता मुझे। कभी मैंने जेली ट्राई नहीं किया, तो मैं बहुत दिन बाद जेली का एक टेस्ट लूँगी, पता नहीं कैसा होगा, तब इसको भी खाने वाली हूँ। यहाँ पे जैसे जेली खा रही हूँ, और मुझे पता नहीं, मुझे जेली बिल्कुल पसंद नहीं है। जब जेली मिल जाता तो कितना, ओ ओ भाई साहब, अरे ये तो ऐसे हो ही नहीं रहा है। हो गया। तो ये रही मेरी फर्स्ट बाइट, दिखा दो, ये रही। इसका स्मेल ही मुझे अजीब लगता है। खाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग बोलोगे ये लड़की कुछ नहीं खाती है, तो मैं कम करके ले रही हूँ, ठीक है। मुझे खाना नहीं है जेली, मुझे पसंद ही नहीं है। शावर ले ली है 20 या 15 मिनट्स अगो, तो के लेटर है, तो के से मैं खाने वाली हूँ। इजी फीजी लेमन फीजी वाला, तो मैं कैसे कुरकुरे खाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी था। कुरकुरे मुझे बहुत पसंद है, सो आई एम गोना ईट कुरकुरे। सो के फॉर कुरकुरे। कल से मैं खाने वाली हूँ, इजी है बिल्कुल, लेज। सो ये रही लेस खाने वाली हूँ, सो एल फॉर लेस खाने वाली हूँ। सो या एल फॉर लेस। अमन था राइट, अमन, तो मैंने जो डेली मिल्क खाया था अगर आपको याद होगा, सो वो जो बचा कुचा था मैंने बोला था मैं बाद में खा लूंगी या फिर कल खा लूंगी, तो ये जो डेली मिल्क है अभी अमन खाएगा, ठीक है अमन? ये लो बोलो, ठीक है, बोला हाय गाइस, कैसे हो आप लोग, बोलो मेरा वीडियो, मेरा वीडियो, सॉरी मेरे को, मेरे को मिस किया ना, मिस किया ना मैंने, मैंने आप लोगों को, आप लोगों को बहुत मिस किया, बहुत राउडी हो रहा है थोड़ा। तो ये लो आपका ये डेयरी मिल्क, तो मैंने जो है कुरकुरे लेस खा लिया, तो मतलब शावर लेने के बाद मुझे अभी मतलब खा मतलब भूख लगा था, तो इसीलिए तो खा लिया, अभी नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो बाय गाइस, गुड बाय, बोलो बाय, बोलो बाय गाइस, बाय गाइस। तो एम से मैं खाने वाली हूँ मेरी फेवरेट मैंगो, ये देख सकते हो मैंने इतना सा ही लिया, क्योंकि सारा दिन इतना खा रही हूँ और भी खाना पड़ेगा, तो इसीलिए सिर्फ दिस मच ही खाने वाली हूँ। एंड यस लेट्स ईट इट। तो एम से मैं मैंगो खाने वाली, वेट, मुझे मैंगो बहुत पसंद है, तो इसको भी खाने वाली हूँ। नेक्स्ट लेटर इज एन, तो एन से मैं खाने वाली हूँ नट्स, तो ये देख सकते हो, अब मैं कैसे दिखाऊँ आप सब लोगों को ये। ओ तो मैंने सिर्फ चार नट्स लगाए हैं, मैंने सिर्फ चार नट्स ही, ये देख सकते हो नट्स, नट्स, तो मैं नट्स खाऊंगी। एन फॉर नट्स इजी है, बट मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी। सो या सो ओ से मैं खाने वाली हूँ अनियन, मुझे ऑडियो नहीं मिला, सो मैं, मेरा आइडिया था कि मैं ऑडियो खाऊंगी, बट मुझे भी ऑनियन मिला, सो ओ फॉर अनियन। एन ओ पी पी, सो माई नेक्स्ट लेटर इज पी, और पी से मैं क्या खाने वाली हूँ, मैं पी से पाइनएप्पल नहीं खाने वाली हूँ गाइस, मैं पी से पाउडर मिल्क खाने वाली हूँ, क्योंकि वो भी मेरा फेवरेट है। सो ये रही मेरी पाउडर मिल्क, सो ये वीट नहीं है गाइस, आप कुछ लोग सोचोगे कि ये पाउडर मिल्क के नाम पे ये वीट खा रही है क्या, सो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। वीट का कंसिस्टेंसी जो होता है ये ऐसा नहीं होता, तो इसका जो पाउडर मिल्क होता है ये ऐसा हो जाता है, वीट वैसा नहीं होता, तो थोड़ा सा भी क्वालिटी हो सकता है डिफरेंस, बट या तो मैं पी से पी फॉर पाउडर मिल्क, सो या लेट्स ईट इट। क्यों मैंने किया, मतलब
खाऊं कि आपको पता है क्यू से मुझे कुछ नहीं मिला, क्यू से एक ओट्स आता है, अगर आपको पता होगा तो क्यू से एक ओट्स आता है, बट मुझे ओट्स पसंद नहीं है, मुझे ओट्स ट्राई करना भी नहीं, मुझे करना नहीं है. सो मैं क्यू से, मैंने गूगल पे रिसर्च किया था से मैं क्या क्यू से क्या होता है, तो क्यू से क्विंस या फिर वैसा कुछ है. सो मैं यहाँ पे स्क्रीन दे दूंगी. सो यहाँ पे एप्पल या फिर पियर को खा जाता है, तो मेरे पास एप्पल है तो मैंने ए से एप्पल खा लिया, तो दोबारा मैं एप्पल खा नहीं सकती, तो मैं खाने वाली हूँ पियर. तो देख सकते हो पियर का शेप तो नहीं है, बट मेरे पास जो है लॉकडाउन में वही मैं खाने वाली. सो मैं क्यू से क्वींस खाऊंगी, पिया नहीं, मैं यहाँ पे क्वींस खाऊंगी, क्वींस या फिर जो भी है तो खाऊंगी. आर से मैं खाने वाली हूँ, क्या आपको पता है गाइस, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, फैन का नॉइज आ रहा है, तो रियली सॉरी. सो आर से मैं रसमलाई खाने वाली हूँ. सो ये है बड़े वाले रसमलाई, एंड इसका जो सिरप या फिर पता नहीं क्या बोलते, सो ये रही उसकी सिरप या फिर सॉस या तो. और हमारे पास अभी दो रसमलाई है, ये देख सकते हो, तो मैं इनमें से एक खाने वाली हूँ. सो आर फॉर रसमलाई. यहाँ पे एक और गेस्ट है, मेरी बिल्ली. क्या है यहाँ पे, क्या है मेरे यहाँ पे क्या है अभी अभी, इसको भी मिठाई खाना है. मिठाई खाओगे तुम? इधर कैमरा पे देखो, कैमरा पे देखो, मिठाई. मैं खाने वाली हूँ एंड मेरी बिल्ली को भी खाना है. खाओगे तुम? खाओगे थोड़ा सा. आर लेटर है वो अभी कंप्लीट होता है. या सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेटर. एस से खाने वाली हूँ सूजी. सो सूजी मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा ही लिया है. सो मैं खाऊंगी ना सूजी. मैं खाने वाली हूँ टोमेटो सॉस, क्योंकि मुझे इतना हैवी खाना नहीं पसंद हो रहा है. बिकॉज मतलब ऐसा हो रहा है कि खा जा रही हूँ ना, लाइक मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल रहा है, बट मुझे खाना नहीं है. गाइस अभी थोड़े से कुत्ते भौंक रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर. सो अभी इसको खाऊंगी मैं. सो यार दैट्स इट, मुझे तो ये भी खाना नहीं है. सो ये रही टोमेटो सॉस. अरे बच्चा, सो ये देख सकते हो टोमेटो सॉस, अभी इसको खाऊंगी. नेक्स्ट लेटर इज यू, और यू से मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यू से कुछ नहीं मिला. यू से मैंने गूगल पर रिसर्च किया था, एक अगली फ्रूट या फिर उगली फ्रूट होता है, वो ऑरेंज होता है, सो उसको उगली फ्रूट बोला जाता है. तो मैं सोच रही थी कि मैं खाऊंगी, बट अभी लॉकडाउन के टाइम अगर बाहर से मतलब लेकर आए तो बहुत रिस्क हो जाएगा, और ये अभी ऑरेंज का सीजन भी नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है, अगर हम रिसर्च भी करें यहाँ पे तो नहीं मिलेगा. सो ये इसीलिए मैं सिर्फ यू लेटर को छोड़ रही हूँ, बाकी सारे लेटर्स को करने वाली हूँ. सो आई एम रियली सॉरी गाइज कि मैं यू लेटर नहीं कर पाई, मुझे नहीं मिला. एंड अभी मैं अगर आइसक्रीम खाऊंगी यूनिकॉर्नेटो तो मेरा जो सर्दी है और ज्यादा बढ़ जाएगा, और भी ज्यादा सीख हो जाऊंगी. सो मैं यू लेटर छोड़ी, तो अभी नेक्स्ट लेटर में चलते हैं. रात का टाइम हो गया, मेरे बालों की हालत खराब हो गई है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो अभी देख सकते हो बहुत ही ज्यादा रात हो गए हैं. एंड अभी बज भी रहे हैं 9:30, तो मैं सोच रही कि चैलेंज कंप्लीट कर लेते, वरना कब कंप्लीट होगा पता नहीं. तो मैं लास्ट खाई थी टोमेटो सॉस, और उसके बाद तो मैंने बताया कि उससे मुझे कुछ नहीं मिला. तो अभी से मैं खाने वाली हूँ वनीला केक. तो ये देख सकते हो वनीला केक, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वनीला केक यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो बी से. तो मैं बी से वनीला केक खाने वाली हूँ, बी से वनीला केक खाने वाली हूँ. सो मेरा बी लेटर कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं सॉल्व कर लूँ. मैं कुछ हैवी नहीं रख रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कुछ टेस्ट मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने आज सारा दिन बहुत कुछ चटर पटर कुछ भी खाया है. सो मैं W से एकदम नॉर्मल चीज़ें रख रही हूँ, W फॉर वाटर. मैंने दो और यूट्यूबर्स को देखा था कि यही खाते, तो एक्स मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ जीहोंगशी. सो आई थिंक आई एम राइट, सो एक्स फॉर जीहोंगशी विच इज टोमेटो. सो जीहोंगशी मतलब टोमेटो. सो ये रही टोमेटो. या सो मुझे एक से जीगुआ भी होता है, वही मुझे फर्स्ट रिसर्च में मिला, बट अभी मैं वाटरमेलन कैसे लाऊं. तो घर में टोमेटो था, जीहोंगशी मतलब टोमेटो, तो टोमेटो. सो ये मैं टोमेटो नहीं जीहोंगशी खा रही हूँ. सेकेंड लास्ट लेटर है, दैट इज वाई. सो वाई फॉर क्या खाने वाली हूँ, वाई से भी खाने वाली हूँ योग. सो योग जिसको पता नहीं है, आई थिंक सबको पता होना चाहिए. सो वाई से जो अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसको योक बोला जाता है. सो आई थिंक सबको पता होगा. सो वाई से मैं योक खाने वाली हूँ. सो लेट्स ईट इट. थैंकफुली मेरा लास्ट लेटर, मतलब मेरा नहीं है, लास्ट लेटर है, दैट इज जेड. मुझे इतना ज़्यादा हैप्पी हो रहा है कि यार
गॉश जेट से मैं खाने वाली हूँ जीरा। आप सब लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि मैं जीरा खा रही हूँ। सो आप लोग सोचोगे कि जे से जीरा होते ये लकी पागल है, जेड से जीरा खा रही है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया जीरा, तो अगर मुझे पिक्चर मैं स्क्रीनशॉट मार लूंगी तो मैं इस स्क्रीन पे दे दूंगी कि जेड से भी जीरा मैंने लिखा तो आया था गूगल पे या फिर नहीं आता। तो मतलब मैं तो थोड़ा सा भी खुश हुई कि यार कुछ तो मिल गया। वैसे जेड से दुखी नहीं होता है बट अभी मुझे नहीं मिलेगा, सो अभी मैं जीरा ही खाने वाली हूँ। सो ये रही मेरी जो जेड लेटर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अभी बाय बाय कहने वाले कोई लेटर नहीं है अभी। दैट्स इट फॉर माई टूडेज वीडियो गाइज। सो गाइज मैंने वो वीडियो पोस्ट किया, वो वीडियो बनाया था 31 अगस्त एंड आज का तारीख है 1 सितंबर। तो एक मंथ हो गया मुझे एडिट करना सब कुछ करना, तो मैं भूल ही गई थी। तो थैंक यू सो मच गाइज, और मैंने सोचा नहीं था कि ये 24 आवर्स में कर पाऊंगी। तो बहुत मजा भी लगा बट आइडियाज़ भी नहीं मिल रहे थे, तो मेरी दीदी ने सजेस्ट किया, मैं सोच रही थी, मेरी मम्मी बहुत मुझे हेल्प किया, तो उसके बाद दिन तो पता ही होगा क्या हुआ। तो दैट्स वाई मैंने वीडियो एडिट करना भूल गए थे, तो दैट्स वाई। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियो। तो डॉक्टर प्रियंका रंजन उसने लिखा है एक्सेलेंट वीडियो सुनी, थैंक यू, आई होप दैट यू विल गेट सिल्वर प्ले सिल्वर बटन एंड गोल्ड बटन। थैंक यू, आप लोगों के प्यार से ही होगा। यू आर रियली गुड एंड प्लीज़ रिप्लाई। ओके मैंने रिप्लाई कर दिया एंड कंग्रेचुलेशन। अगर आप भी ऐसे चाहते हो कि मैं आपको ऐसे शाउट आउट, नीचे कमेंट करो एंड बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सोहिनी एंड आई लव यू सोही स्क्वाड। बाय बाय फ्रॉम चीनी एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सोहिनी एंड चीनी। बाय।